दोस्तों स्वागत है चैनल में। दोस्तों आप देख सकते हैं एक हमारे पास डिस्कवर बाइक आई हुई है, फोर व्हील डिस्कवर है, 100T है। आप देख सकते हैं इस बाइक में कस्टमर को बहुत सारा दिक्कत उठाना पड़ा है क्योंकि सेकंड हैंड लिए हुए हैं और उनका कॉस्ट लगभग 30,000 तक पड़ा है किने तो, प्लस इसमें बहुत सारा दिक्कत था। हम भी दो दिन तक परेशान हुए, जैसे कि देख सकते हैं इसमें पहला तो दिक्कत था जी, ये माइलेज नहीं दे रही थी बाइक, तो हमने बहुत कार्बेटर को रिपेयर करने की कोशिश की पर नहीं हुआ। पर तब जाकर ये नया कार्बेटर लगा और लगने के बाद ये हमारा बाइक जो है माइलेज पूरी अच्छी देने लगी, लगभग कुछ 1700 रुपया पड़ गया कार्बेटर न्यू लगाने पर। तो ये बीमारी ठीक हुआ, तो दूसरा बीमारी अब चालू हो गया, कभी चलते चलते खट खट करती है और उसके बाद किक जाम हो जाता है, जैसे कि आपको दिखा दें, जैसे कि देख सकते हैं ये पूरी तरह किक जाम है, देख सकते हैं पूरा किक जाम है, ऐसा ही हो रहा, कोई कंप्रेसर नहीं पकड़ रहा, कुछ पूरी जाम है। और ये देख सकते हैं ये न्यूट्रल भी में बाइक है जैसे कि, तो चलिए हम फटाफट इसको ओपन करते हैं। ओके कर दो सर। सबसे पहले इसको हम खोलेंगे, मैग्नेट कवर खोल के देखेंगे कि क्यों किक जाम हो जा रहा है और खट से करता है, लगता है कोई सा नट बोल्ट खुल गया इस टाइप के हो जा रहा है और पूरी किक जाम हो रहा है, बाइक बंद हो जा रही है। जैसे कि आपको अभी जाम हुआ है तो कस्टमर ठेल के लाएँ कुछ दूर तक और इस प्रकार से बीमारी देखने को मिला, तो चलिए हम फटाफट इसको ओपन करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। जैसे कि देख सकते हैं हमने आयल को बोल्ट को हमने ओपन कर लिया है, इसका आयल ड्रेन देख सकते हैं। दोस्तों हम फटाफट इसको 8 नंबर बोल्ट को ओपन करेंगे टीच के सहारे से। दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये बाइक जो है आपको वो वीडियो नहीं दिखा पाएँ कार्बेटर वाला, क्योंकि भीड़ लगने के कारण टाइम नहीं मिला वीडियो को दिखाने के। जैसे कि देख सकते हैं इसको ओपन कर किए हैं, देख सकते हैं ये इसका यही कारण है, देख सकते हैं जो ये घूम ही नहीं रहा है, पूरी तरफ फंस चुका है। इसी के लेकर जो है बाइक है हमारा जाम हो जाती थी। ये देख सकते हैं ये रोलर, इसको एक साइड फ्री होना चाहिए, फ्री घूमना चाहिए, पर इसका सेल्फ का जो रोलर है वो फंस चुका है इसमें और दोनों साइड ये मूव कर रहा है और छोड़ नहीं रहा है। इसी के कारण है जो ये बाइक है जो पूरी जाम हो जा रहा है, इंजन और खट खट कभी कभी करके जाम हो जाता है और बंद हो जाता है। आपको दिखा सकें, देखिए ये एक साइड मूव करना चाहिए, कोई साइड भी मूव नहीं कर रहा है, ये पूरी ये लॉक कर जा रहा है, ये सेल्फ के इसमें अटैच सेल्फ रहता है जो कि आप देख सकते हैं जैसे कि, और ये इसी के कारण ये बाइक जाम हो जा रहा है, सेल्फ के लिए पूरा घुमाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि ये फ्री रहता है। चलिए हम फटाफट इसको ओपन करते हैं, उसके बाद देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं हमने इसको ओपन किया ठोक ठाक कर निकला, पर इसका जो रोलर है वो पूरी तरह ख़त्म हो गया, इसी कारण है जो ये रोलर पूरी वर्क नहीं कर रहा है और ये बाइक है जो जाम हो रहा है, खट से कर कर जाम हो जा रहा है। इसमें दोस्तों इसका रोलर ख़राब हो गया है और ये पूरी टूट कर ये रोलर जो है ख़राब हो चुका है, इसके लिए ये जो है मूव नहीं कर रहा था
और जाम हो गया था पूरा। ये बाइक स्टार्ट भी नहीं हो रही थी। अब चलिए इसी पर हम स्टार्ट करके देखते हैं, किक मार कर देखते हैं पूरी फ्री हुआ कि नहीं, और आपको दिखाते हैं स्टार्ट करो। स्टार्ट करो, देख सकते हैं बाइक हमारी पूरी स्टार्ट हो चुकी है। बाइक पूरी तरह स्टार्ट हो गई है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा, और हम गियर भी लगा के दिखा दें। बिल्कुल सही काम कर रहा है, इसलिए रोलर खराब होने के कारण ये देख सकते हैं, इसी के कारण जो है ये बाइक जो है रोलर खराब हो गया था, इसके कारण ये जाम हो गया था बाइक और स्टार्ट भी नहीं हो रही थी। चलिए हम फटाफट इस रोलर को लगाते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये छारा, ये गोली जो है हम इसमें लगाएंगे, इसको रोलर बोलते हैं, सेल्फ रोलर जिसका नाम है। इसको इसमें हम फिट करेंगे और बाइक में, उसके बाद चलिए हम फटाफट इसको ओपन करते हैं और इसको दिखाते हैं आपको। ये हम चलिए अब फटाफट इसको लगाते हैं इस मैग्नेट में और उसका आपको बाद देखते हैं। इसको लगाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका देख सकते हैं आप, रुको जहाँ को आप टूटे हुए जो छर्रा गोली है उसको साफ करेंगे। देख सकते हैं ये सब हमने इसका जो प्लास्टिक का छर्रा है उसको हम लगा चुके हैं। अब चलिए हम इसको गोली लगाते हैं और ये स्प्रिंग लगाते हैं बंद कर। जैसे देख सकते हैं स्प्रिंग हम ये छोटा वाला प्लास्टिक का बूस है उसको स्प्रिंग में डालेंगे और ये यहाँ पे जो छर्रा में जो हमने लगाए हैं प्लास्टिक के उसमें स्प्रिंग फंसेगा, इसके लिए दिया होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये स्क्रू ड्राइवर के सहारे हम लेकर इसमें डाल देंगे गोली छर्रा, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, देख सकते हैं। और इसको हम आस्ते से छोड़ देंगे ताकि ये अप डाउन करना चाहिए, तभी हमारा सेल्फ का रोलर है जो काम करेगा बराबर। प्रकार से सब हम जैसे कि लगाएंगे जिस प्रकार से हम पहले भी लगाए थे, अब भी लगा रहे हैं। ऐसे देख सकते हैं इसी प्रकार लगाएंगे, ये हमारा बराबर काम कर रहा है ये सेल्फ, देख सकते हैं। इसको अप डाउन करना चाहिए नहीं तो वर्किंग बढ़िया से नहीं करेगा ये सेल्फ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। इसको हम थोड़ा वॉशिंग कर उसके बाद हम हो गए ओके करो चलो फिर काटो आवाज़। हमारा ये सब वॉशिंग कर लिए हैं, अब चलिए हम फटाफट इसको फिट करते हैं। फिट करने का ये देख सकते हैं इसको थोड़ा सा हमको मूव करना पड़ेगा। अब ये देख सकते हैं एक साइड फ्री रखना चाहिए ये जैसे, उसके बाद एक साइड तो जानना चलेगा। तो यही हो जा रहा है, इसमें दिक्कत यही था कि ये रोलर पूरा पकड़ लिया था और जाम हो चुका था और फ्री नहीं नाच रहा था, नहीं इसी साइड फ्री नाच रहा घूम रहा था, नहीं बाएं साइड भी नहीं घूम रहा था, दाएं साइड भी नहीं घूम रहा था, कोई साइड नहीं घूम रहा था। ऐसे काम करता है, जैसे सेल्फ का काम यही होता है, जो सेल्फ मारने पर इस प्रकार से इसको मूव कर देगा और ये यहीं पर रुक जाएगा और ऐसे नाचने लगेगा और यहाँ पर ये रुक जाएगा। इसका यही रीजन था कि ये इंजन का जो है जाम पकड़ लिया था, इसका रोलर ख़राब था। चलिए हम फटाफट इसको लगाते हैं और आपको दिखाते हैं और चालू करके भी दिखाएंगे, ट्राई मार के भी देखिएगा ये बाइक पहले से अच्छा चल रही है या कोई दिक्कत हो रहा है, या कस्टमर से भी पूछेंगे। चलिए फटाफट इसको लगाते, चलिए हम इसको लगाएँगे इस प्रकार से।
आपको और देखेंगे और उनसे जानेंगे। तो दोस्तों हमने टेस्ट ड्राइव कर लिए हैं, इन्होंने कस्टमर्स हैं हमारा, उनसे हम पूछेंगे कैसा चल रहा है बाइक और क्या क्या इनको इन्होंने बाइक ख़रीदा था, ये पूरी वही बताएंगे पूरी कहानी बाइक का, और ये बाइक अभी सही हुआ या नहीं उनसे हम जानेंगे। तो हमारे दर्शकों को आप बताइए कि ये बाइक पहले चल रहा था और दिक्कत कर रहा था, अब कभी भी बंद हो जा रहा था, अब आपने 1 किलोमीटर चलाया है, सही चल रहा है या नहीं हमको कस्टमर से पूछेंगे। चलिए हम पूछते हैं उनसे, उन्हीं से सवाल जवाब करेंगे। तो थोड़ा बता दीजिए हमारे दर्शकों के क्या ठीक चल रहा है बाइक या नहीं। ठीक है, मतलब जब जिस समय ख़रीदे थे हम बाइक को अपने, ठीक है, तो ख़रीदने के बाद से मतलब जैसे 2 दिन चलाए थे बाइक को, इतना ज़्यादा तेल पी रहा था बाइक मेरा, मतलब क्या कहे तो नहीं पा रहे हैं, फिर भी जो है मतलब 12 या 13 किलोमीटर का माइलेज दे रहा था बाइक मेरा। तो आपने अच्छा से सही किया इसको बाइक को, फिर भी कार्बोरेटर का काम किया तो भी मतलब थोड़ा सा सुधार हुआ था, जबकि 20 का माइलेज पहुँचा था। उसके बाद जो है फिर भी सही नहीं हुआ, तो हमने नया कार्बोरेटर आपने खरीदवाया, और नया कार्बोरेटर डालने की वजह से मेरी बाइक जो है अभी माइलेज हमको लगता है कि 60 किलोमीटर का प्रति लीटर दे रही है माइलेज ये। और दूसरी बीमारी हो गई थी कि इसमें इसका जो है गियर में। तो अभी बाइक जो है अभी गियर में इतने 1 किलोमीटर पे कितने बार आपको बंद पड़ जा रहा था बाइक, और 1 किलोमीटर में लमसम 3 से 4 बार बंद हो रहा था, और पूरे ये जो किक जो है पूरा जाम हो जा रहा था मेरा किक। तो अभी इसको सर्विस करने पे ये सब लग गया, उसके बाद आप 1 किलोमीटर चला के आए, अभी सही है या नहीं? फिर बिल्कुल सही हो गया मेरा बाइक, जो चलना चाहिए जिस तरीके से बाइक, अभी बिल्कुल सही हो चुका है बाइक हमारी, और कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो पा रही है मुझे। तो अभी काम से हमारे संतुष्ट हैं? बिल्कुल बिल्कुल एकदम संतुष्ट हैं, और पहले से भी हम आपको जानते हैं मिस्त्री की, आप अच्छे मिस्त्री हैं, इस वजह से कहीं हम बाइक किसी को देते नहीं, सिर्फ केवल आपके पास ही आती है बाइक कोई भी मेरी बाइक हो। पर आपको इसमें बहुत सारा खर्चा उठाना पड़ेगा, यही दिक्कत है बस। खर्चा तो उतारना पड़ेगा भाई, जब खरीदे सेकेंड हैंड बाइक तो उठाना ही होगा खर्चा। ठीक है, 30,000 की बाइक है हमारी, और लमसम को लगता है 5-6 हज़ार रुपये खर्च कर दिए हैं, मतलब कॉस्टली आपको 35,000 रुपये पड़ गया। दोस्तों इस प्रकार से आप जब भी बाइक खरीदें तो आप किसी मैकेनिक, ये बिना मैकेनिक को दिखाए हुए बाइक अपना ले तो अच्छा है, क्योंकि हम ले करके पछता रहे हैं इस बाइक को। आप सही है, अब पछताना नहीं पड़ेगा, आप सही है, इतना लगा दिए गाड़ी अच्छे हो गए, अब कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।